तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले गुरुवार यानी कि 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी प्रभास की फिल्म कल्कि, और कल्कि फिल्म ने आज सिनेमाघरों में 21 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए। और साथ ही साथ बीते शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा, जिसने सिनेमाघरों में 6 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और साथ ही साथ रिलीज हुई थी कमल हसन साहब की फिल्म इंडियन 2, और इंडियन 2 के भी आज 6 दिन सिनेमाघरों में कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिलहाल बात करेंगे इस वीडियो में कल की फिल्म अपने पहले 21 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और साथ ही साथ बात करेंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और कमल हसन साहब की फिल्म इंडियन 2। ये दोनों ही फिल्में अपने पहले 6 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कितनी कमाई कर चुकी है, वहीं फिल्मों का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप कमल हसन, अक्षय कुमार और प्रभास को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म इंडियन 2 की, तो फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज था, हाई बहुत ज्यादा थी और फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर एक शानदार कलेक्शन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म को निगेटिव रिव्यूज मिले थे, जिसके वजह से फिल्म के कलेक्शन में हमें अब तक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं इंडियन 2 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं, तो फिल्म का जो पहले दिन का इंडिया के अंदर कलेक्शन था वो 26 करोड़ 25 लाख रुपए का था, वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में अपने पहले ही दिन 57 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म के नाम रहे थे 18 करोड़ 50 लाख रुपए, और तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 17 करोड़ 5 लाख रुपए, चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन था 3 करोड़ रुपए का, और दोस्तों पांचवें दिन फिल्म की कमाई रही थी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की। तो अपने पहले 5 दिनों में फिल्म इंडियन 2 68 करोड़ 70 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी। तमिल भाषा में फिल्म ने कमा लिए थे 47 करोड़ 10 लाख रुपए, हिंदी भाषा में फिल्म ने कमा लिए थे 5 करोड़ 50 लाख रुपए, और तेलुगु भाषा में फिल्म ने कमा लिए थे 16 करोड़ 10 लाख रुपए। और कुल मिला के पहले 5 दिनों का जो कलेक्शन था इंडियन 2 का ऑफिशियली, वो 68 करोड़ 70 लाख रुपए था। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था 82 करोड़ रुपए का, ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 45 करोड़ रुपए, और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 127 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी अपने पहले 5 दिनों में। फिल्म का आज 6वां दिन है सिनेमाघरों में, तो आज भी फिल्म लगभग 3 करोड़ रुपए कमा रही है, और फिल्म की जो 6 दिनों की टोटल कमाई है वो 71 करोड़ 70 लाख रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 135 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए का 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की। तो सरफिरा फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, हर जगह से इस फिल्म के हाथ पॉजिटिविटी लगी थी, क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छे रिव्यू दिए थे, लेकिन बावजूद इसके अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा भी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जैसा कि उम्मीदें थी फैंस को और अक्षय कुमार को। अपने पहले दिन सरफिरा ने 2.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 5 करोड़ रुपए का था। उसके बाद फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों के वीकेंड पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाए थे, तो वहीं फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड कमाई थी वो 19 करोड़ 60 लाख रुपए की थी। चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 1.5 करोड़ रुपए का, और दोस्तों पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 2 करोड़ 10 लाख रुपए। तो अपने पहले 5 दिनों में फिल्म सरफिरा 16 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी है, वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 20 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है, ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए हैं लगभग 5 करोड़ रुपए, और कुल मिला के फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 25 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म का आज 6वां दिन है, तो आज भी फिल्म कम से कम 2 करोड़ रुपए कमा रही है, और फिल्म की 6 दिनों की टोटल कमाई 18 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 29 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है, और फिल्म का बजट 55 करोड़ रुपए का है, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि सरफिरा फिल्म भी अपने बजट तक पहुंच पाएगी। लेकिन चलिए बात करते हैं कल्कि की। तो भैया, साल 2024 में कल्कि फिल्म की जितनी तारीफें करें हम कम है, क्योंकि फिल्म को दिल से पसंद किया गया है। फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं की बल्कि इतिहास रचा है। अपने पहले दिन 191 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करने के बाद फिल्म का जो 4 दिनों का वीकेंड था वो 324 करोड़ 15 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट था, तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 555 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। उसके बाद फिल्म का जो 10 दिनों का टोटल कलेक्शन था वो 493 करोड़ 59 लाख रुपए इंडिया से नेट था सभी भाषाओं में, तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 860 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। उसके बाद 15 दिनों में फिल्म कल्कि ने
578 करोड़ 19 लाख रुपए इंडिया से नेट कमा लिए थे, तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 1010 करोड़ रुपए कर चुकी थी। 16वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 6 करोड़ 60 लाख रुपए का। 17वें दिन फिल्म ने कमाए थे 14 करोड़ 55 लाख रुपए। 18वें दिन अपने तीसरे संडे को फिल्म का कलेक्शन था 17 करोड़ 80 लाख रुपए। 19वें दिन फिल्म ने कमाए थे 4 करोड़ 40 लाख रुपए। और दोस्तों 20वें दिन का जो कलेक्शन था फिल्म कल्कि का वो था 5 करोड़ 25 लाख रुपए। भाई ये कमाल की बात है, 5 करोड़ 25 लाख रुपए अपने 20वें दिन फिल्म कल्कि कामयाब रही करने में। तो फिल्म का 20 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 626 करोड़ 79 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुका है। तेलुगु भाषा में फिल्म ने अपने पहले 20 दिनों में 292 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई कर ली है। हिंदी भाषा में फिल्म ने कमा लिए हैं 263 करोड़ 15 लाख रुपए, और बाकी तमिल, कन्नाड़ा और मलयालम से फिल्म ने कमा लिए हैं 70 करोड़ 55 लाख रुपए। तो इस तरह से 20 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है पूरे इंडिया से फिल्म कल्कि का वो 626 करोड़ 79 लाख रुपए हो चुका है। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 752 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए हैं 324 करोड़ रुपए, और कुल मिला के फिल्म पूरे वर्ल्ड में 1076 करोड़ रुपए कर चुकी है अपने पहले 20 दिनों में। आज फिल्म का 21वां दिन है तो 4.5 करोड़ रुपए ये फिल्म आज भी कर रही है, और फिल्म की 21 दिनों की टोटल कमाई 631 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 1085 करोड़ रुपए कर रही है, और ऑफिशियली फिल्म कल्कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों कल्कि फिल्म आपने कौन से शहर कौन से सिटी में देखी है कमेंट में जरूर बताइएगा।